सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड पुलिस का यानी झारखंड सिपाही का जो फॉर्म है वो 22 जनवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक भराना है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारा बदलाव हुआ है पहले से लेकर के और आज। अगर आप फॉर्म को फिलअप करें तो आज से और पहले से बहुत कुछ फॉर्म फिलअप में बदलाव किया गया है, चेंजिंग किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, तो उन लोगों को करना क्या होता था कि झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने के बाद उनका जो पेमेंट होता था वो 24 से 48 घंटा के बाद पेमेंट करना होता था। और पेमेंट करने के बाद उनका जो आगे का प्रोसेस था फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, इस तरह से, तो उन लोगों का 24 से 48 घंटा बाद ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा था। यानी पूरा झारखंड के फॉर्म भरने में, पूरे फाइनल सबमिट करने में उन लोगों का 3 से 4 दिन टाइम लग रहा था झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने में। और दोस्तों इसके साथ ही साथ झारखंड पुलिस का जो आप पेमेंट कर रहे थे तो आपको पेमेंट करने का केवल एक ही ऑप्शन दे रहा था, जो कि दोस्तों आप अपने से, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा थे जो अपने से खुद से नहीं कर पा रहे थे, वो था पेमेंट करने का जो ऑप्शन था उसमें केवल नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ था। यानी उसके अलावा जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI इस तरह से जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को नहीं दिया करता था। केवल आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता था और आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो ही आप झारखंड पुलिस का पेमेंट को कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने से पेमेंट को नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन बताया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जब झारखंड पुलिस का फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है इस पर मैं वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि झारखंड पुलिस का जो पेमेंट कट रहा है ये केवल नेट बैंकिंग से कट रहा है, लेकिन आने वाले दिन में आपका UPI ID, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सभी ऐड हो सकता है। तो फाइनली आज अभी अभी तुरंत मैं फॉर्म को फिलअप करके देखा एक न्यू कैंडिडेट का, तो उसका पेमेंट करते टाइम सब कुछ प्रोसेस, मतलब जो है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और उसके साथ ही साथ आपका UPI, इस तरह से जो भी ऑप्शन है वहां पर 4 ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, जो कि 3 पहले से 1 ऑप्शन था नेट बैंकिंग का और 3 जैसे UPI का हो गया, डेबिट कार्ड का हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया, ये 3 ऐड ऑप्शन और किया गया है। और आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI ID है, जो भी आपके पास है उसे अब आप अपने आसानी से झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है उसका पेमेंट को कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ और क्या बदलाव हुआ है, अगर आप पहले झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो फॉर्म को भरते टाइम आपको फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 से 48 घंटा बाद आपका पेमेंट करना होता था, और उसके बाद फिर से आपको 24 से 48 घंटा बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता था, तब जाके आपका फाइनल सबमिट हो रहा था फॉर्म झारखंड पुलिस का। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप अगर आप न्यू कैंडिडेट का करने जा रहे हैं तो डायरेक्टली आप 10 से 15 मिनट में ही पूरा फाइनल सबमिट यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर के और पूरे प्रिंट तक आप 10 से 15 मिनट में ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने के बाद पहले 24 से 48 घंटा पेमेंट में लग रहा था, वैसा आप नहीं है, अब डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कीजिए, इसके बाद तुरंत पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप झारखंड पुलिस का जो सिग्नेचर और फोटो है उसको आप अपना अपलोड कीजिए, इसके बाद फाइनल आपका सबमिट तुरंत हो जा रहा है। मैं अभी इससे पहले फॉर्म को फिलअप करके देखा, इसलिए मैं आप लोगों को उस वीडियो में बोला था कि जैसे ही इसका न्यू ऑप्शन ऐड होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था कि झारखंड पुलिस का अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अब आप अपने से खुद से 10 से 15 मिनट में ही झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी किस तरीके से आपको झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है उससे अपने घर बैठे झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप UPI यूज करते हैं या फिर आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो अब आप अपने खुद से ही झारखंड पुलिस का पेमेंट को कर सकते हैं। ये सारी 4 UPI पेमेंट करने का जो ऑप्शन है उसको ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों एक बात और, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस का फॉर्म एक बार में ही सब कुछ फाइनल हो गया, यानी 10 से 15 मिनट में ही जब न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो पूरा प्रिंट शुरू से लास्ट तक 10 से 15 मिनट में ही हो गया, यानी पेमेंट भी आज ही हो गया और फोटो सिग्नेचर भी आज ही अपलोड हो गया।
तो उसमें क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ ऐसा है। तो देखिए उन सभी कैंडिडेटों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये पोर्टल आजकल ही न्यू किया गया है, चेंज किया गया है। अब आप फॉर्म को फिलअप करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, सब लगातार स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहले जैसा आप नहीं रह गया कि 24 घंटा बाद आपको पेमेंट कटेगा, 24 घंटा बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टल को फाइनली चेंज कर दिया गया है, पूरा न्यू कर दिया गया है। अब अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो लगातार मतलब आप फोटो सिग्नेचर कर सकते हैं अपलोड, और पेमेंट भी आप अपने से ही कर सकते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट जो झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप करने में पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही दिन में पेमेंट को कर चुके हैं और एक ही दिन में पूरा फाइनल सबमिट कर चुके हैं, तो उन लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। बल्कि ये JSSC का यानी आयोग का दिक्कत है, उन लोगों को जब पोर्टल को चेंज किया गया था तो उसके ऊपर एक नोटिस को जारी करना चाहिए था कि फाइनली झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है उसको हम लोग चेंज कर चुके हैं, अब आप लगातार झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा या फिर 48 घंटा बाद ही आपका फोटो और सिग्नेचर और इसके साथ पेमेंट करना होगा। अब आप लगातार झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसका पेमेंट कटवा सकते हैं, उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो भी चेंज किया गया था उस पर एक नोटिफिकेशन को जारी करना चाहिए था, नोटिस को जारी करना चाहिए था JSSC को, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर आप भी एक दिन में ही झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ फाइनल सबमिट हो गया है। और इसके साथ ही साथ न्यू रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं जो झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप करा जाते हैं, तो अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था, आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।